अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा। टुडे इज़ 19 जून और आप लोगों का जो लर्निंग टास्क है वो है चैप्टर नंबर 26 की रिमेनिंग ट्रांसलेशन और पेज नंबर 101 एंड 102 की एक्टिविटीज़ जो आपने अपनी बुक पर फिलअप करनी है। जो रिमेनिंग हाफ ट्रांसलेशन है वो यहाँ से हम करना स्टार्ट करते हैं। आपने इसके वर्ड्स मीनिंग अपनी बुक पर लिखने हैं और एक्टिविटीज़ को भी फिल करके सेंड करना है, ठीक है। 19 की जो आपकी ओरल टास्क है वो है ट्रांसलेशन, रिमेनिंग हाफ और एक्टिविटीज़। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑलवेज डेंजरस, बिजली हमेशा ख़तरनाक होती है। डेंजरस मीन ख़तरनाक। आपने वर्ड्स मीनिंग अपनी बुक पर लिखने हैं पेंसिल से। इलेक्ट्रिसिटी कैन कीप अस वार्म और कूल एंड इट कैन कुक आवर फूड बट इट कैन आल्सो किल अस। बिजली हमें गर्म या ठंडा रख सकती है और ये हमारा खाना पका सकती है लेकिन ये हमें जान से भी मार सकती है। यू शुड नेवर टच एनी इलेक्ट्रिक वायर इफ़ इट इज़ स्विच्ड ऑन। अगर बिजली का तार स्विच में लगा हो तो आपको इसे हरगिज़ छूना नहीं चाहिए। स्विच इट ऑफ फर्स्ट, सबसे पहले स्विच बंद करें। वायर, वायर मीन आग, ठीक है। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर की तरफ देखें। पिक्चर मीन तस्वीर, ठीक है। द लिटिल बॉय इज़ बिहेविंग वेरी स्टूपिडली। छोटा लड़का इंतहाई अहमकाना हरकत कर रहा है, ठीक है। ही इज़ पुशिंग समथिंग इन टू द होल वेयर द इलेक्ट्रिसिटी इज़। वो इस सुराख में कोई चीज़ दे रहा है जिसमें बिजली है। होल, होल मीन सुराख। वट हैज़ हैपन्ड, क्या हुआ है। ही हैज़ बीन गिवन अ बिग फ्राइट, उसे ज़ोरदार झटका लगा है। फ्राइट मीन डर, ठीक है। परहैप्स ही हैज़ बीन बैडली हर्ट, ही मे हैव टू गो हॉस्पिटल, शायद उसे बहुत तकलीफ़ पहुंची है, हो सकता है कि उसे अस्पताल जाना पड़े। मेडिसन मेक्स अस बेटर व्हेन वी आर इल, दवाइयां हमें बीमारी से अच्छा करती हैं जब हम बीमार होते हैं। बेटर मीन बेहतर, ठीक है। बट इफ़ वी टेक द रोंग मेडिसन इट कैन मेक अस इल और किल अस, लेकिन अगर हम गलत दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो हम मज़ीद बीमार हो सकते हैं या मर सकते हैं। किल मीन मार देना। समटाइम्स ग्रोन अप पीपल आर केयरलेस, बाज़ औक़ात बड़े लोग लापरवाह होते हैं, ठीक है। केयरलेस मीन लापरवाह। दे लीव मेडिसन इन प्लेसेस वेयर चिल्ड्रन कैन रीच इट, वो ऐसी जगहों पर दवाइयों को छोड़ देते हैं जहां बच्चे पहुंच सकते हैं। द चिल्ड्रन फाइंड इट एंड स्वेलो इट, बच्चे इसे तलाश कर लेते हैं और निगलना शुरू कर देते हैं। स्वेलो मीन निगलना। Then they are very ill, फिर वो बहुत बीमार हो जाते हैं। Perhaps they die, शायद वो मर भी सकते हैं। Perhaps mean शायद, ठीक है। Grown-ups should put medicine away, बड़े लोगों को दवाई को दूर रखना चाहिए। Children should not put things in their mouths, बच्चों को कोई चीज़ उनके मुंह में नहीं डालनी चाहिए। दे शुड आस्क देयर फादर और मदर फर्स्ट, उन्हें अपनी माँ या बाप से पहले पूछना चाहिए। पीपल ग्रोन्स अप एंड चिल्ड्रन आर ऑफन हर्ट व्हेन दे फॉल ओवर, बड़े भी और बच्चे भी अमूमन गिरने से ज़ख्मी होते हैं। द स्किन्स ऑफ बनानास ऑरेंजेस एंड अदर फ्रूट्स आर वेरी स्लिपरी, संतरों और दूसरे फलों के छिलके बहुत फिसलने वाले होते हैं। स्लिपरी फिसलन वाले, ठीक है। यू शुड नॉट थ्रो देम
ऑन द ग्राउंड, आपको इन्हें ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए। इफ़ यू डू समवन में स्टेप ऑन देम एंड स्लिप डाउन, अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी इस पर कदम रख सकता है और गिर सकता है। दे मे ब्रेक अ लेग और अ आर्म और एन आर्म, इससे टांग या बाजू टूट सकते हैं। समटाइम्स पीपल लीव्स बॉक्सेस और अदर थिंग्स इन डार्क पैसेजेस, बाज़ोकात लोग संदूक या और चीज़ों को ऐसे अंधेरे रास्तों में छोड़ देते हैं। वेयर पीपल वॉक, जहाँ लोग चलते हैं। पीपल मीन लोग, पैसेजेस मीन रास्ते। दे डू नॉट सी द बॉक्सेस, लोग संदूकों को नहीं देखते। दे ट्रिप ओवर देम, वो इन पर से गिर जाते हैं। अनदर एक्सीडेंट्स हैज़ हैपन, एक और हादसा हो जाता है। डू यू डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, क्या आपने ऐसी कोई हरकत की है। डू यू हेल्प टू कोज एक्सीडेंट्स, क्या आप हादसों का सबब पैदा करने की वजह बने हैं। डू यू ट्राई टू स्टॉप एक्सीडेंट्स, क्या आप हादसों को रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपकी आज की ट्रांसलेशन है। उसके बाद आपकी एक्टिविटीज़ हैं, पेज नंबर 102 एंड 103। 102 पे जो फर्स्ट एक्टिविटी है, आपने शूट की जगह और टू लगाना है। ठीक है, ये देख लें। यू शूड ट्राई टू स्टॉप एक्सीडेंट, यू और टू ट्राई टू स्टॉप एक्सीडेंट्स। यू शूड कीप हॉट वाटर अवे फ्रॉम स्मॉल चिल्ड्रन, यू और टू कीप हॉट वाटर अवे फ्रॉम स्मॉल चिल्ड्रन। ठीक है, सिर्फ आपने और टू लगाना है शूट की जगह। नेक्स्ट में है, आपने और टू ही लगाना है, लेकिन बीच में नॉट है तो आपने नॉट के बाद टू लगाना है। जैसे कि वी शुड नॉट पुट हॉट वाटर वेयर चिल्ड्रन कैन रीच इट, तो क्या आएगा, वी ऑट नॉट टू पुट हॉट वाटर वेयर चिल्ड्रन कैन रीच इट। ठीक है, शूट की जगह ऑट आएगा और नॉट की बाद टू लगाएंगे। ये आपकी इस तरह से एक्टिविटी फिल होगी। उसके बाद थ्री में आपने आंसर देने हैं येस और नो में। ठीक है, ऑट वी टू क्लीन आवर टीथ, येस वी ऑट। शुड वी हेल्प अदर पीपल, येस वी शुड। शुड वी प्ले गेम्स इन द रोड, नो वी शुड नॉट। ऑट वी टू वॉक ऑन द पेवमेंट, नो। येस वी ऑट। ऑट वी रन अक्रॉस द रोड विदाउट लुकिंग, नो वी ऑट नॉट। ऑट चिल्ड्रन टू ओबे ट्रैफिक लाइट्स एंड पुलिस, येस दे ऑट। ought we to come to school late, no they should not. Should children do what their parents tell them to do, should boys let girls go through our door first, yes they should. ठीक है, ये आपने करने हैं, फिल अप करनी है एक्सरसाइज। उसके बाद है पेज नंबर 103, उसमें भी आपने फिलअप कैसे करनी है। आई वुड लाइक समथिंग टू ईट प्लीज एन ऑरेंज। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, हेयर इज एन ऑरेंज फॉर यू टू ईट। ठीक है, आपने हेयर इज से सेंटेंस स्टार्ट करना है, जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं वो यूज़ करके आपने उनको चेंज करना है। ठीक है, आई वुड लाइक समथिंग टू ड्रिंक प्लीज अ कप ऑफ टी, क्या आएगा, हेयर इज अ कप ऑफ टी फॉर यू टू ड्रिंक। फिर नेक्स्ट में, हेयर इज़ अ बुक फॉर यू फॉर योर ब्रदर टू रीड, हेयर इज़ सम वर्क फॉर यू टू डू, हेयर इज़ अ ड्रेस फॉर योर सिस्टर टू वेयर, हेयर इज़ अ पेन फॉर यू टू राइट विद, हेयर इज़ अ रुपी फॉर यू टू स्पेंड। ठीक है, उसके बाद फाइव वाली एक्टिविटी में आपने सेंटेंस को अरेंज करना है। सबसे पहले क्या आएगा, टॉम एट एन ऑरेंज and threw the skin on the ground. Second, Mary ran along the pavement. Third, she stepped on the orange skin. Four, she slipped down and broke her leg. Five, she was taken to the hospital in an ambulance. ठीक है, सिक्स वाली एक्टिविटी में आपने रीडिंग करनी है। एन एक्स एक कुल्हाड़ा, सम एक्सिस कुछ कुल्हाड़े, अ केज एक पिंजरा, सम केजिस कुछ पिंजरे। उसके बाद सेवन वाली एक्टिविटी में आपने आंसर देने हैं, जैसे कि ये है, फिनिश द सेंटेंसेस यूजिंग वेयर। ठीक है, वेयर को यूज़ करके आपने आंसर लिखना है। दिस इज़ द फ्लैट वेयर आई लिव, दिस इज़ द टाउन वेयर दे लिव,
दिस इज़ द सिनेमा वेयर आई सी फिल्म, दिस इज़ द शॉप वेयर आई वर्क, दिस इज़ द प्लेस वेयर माई फादर वर्क, दिस इज़ द रूम वेयर शी स्टडीज़, दिस इज़ द रेस्टोरेंट वेयर यू टेक टी, ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रीट वेयर ही गोज, ठीक है। इस तरह आपने वेयर से ये सेंटेंसेस फिलअप करने हैं। आज का ये आपका जो है रिटन और ओरल टास्क हो जाएगा, जो आपने याद करना है और अपनी बुक पर फिलअप करना है।